हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एडवेंचर सॉन्ग में। आज हम लोग बात करेंगे पायल जॉन, जो कि बहुत सबके वीडियो पे रोस्ट करती रहती है। जी हाँ, हमारे दिलराज भाई जो मिस्टर इंडियन है, अगर उसके बारे में उन्होंने क्या अनाप शनाप बोला है, आज हम वीडियो में उसका पर्दाफाश करने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जी हाँ, हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा लास्ट। तो देख सकते हैं ये दिलराज भाई रियल है या फेक बनाया है, उन्होंने क्या अनाप शनाप बोला है। अभी मुझे लग रहा है ये हॉस्पिटल में है। देखिएगा, अब आएगी पायल जॉन और अनाप शनाप बोलेगी। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जो कि है मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर इंडियन हैकर जो कि एक बहुत बड़ी यूट्यूबर थे, बहुत ज्यादा अच्छे यूट्यूबर थे, उनसे जुड़ी ये बात जब से मेरे को पता चली है, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, उदास हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। मैं सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, मन नहीं था कि मैं ये वीडियो अभी बनाऊँ, बट स्टिल बहुत ज्यादा मेरी मजबूरी है, मेरा ये काम है कि आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या बोल रही जा रही है। हमारे मिस्टर इंडियन हैकर जी दिलराज भाई के बोर्ड पे भी लिख दे नहीं रहे मिस्टर इंडियन हैकर जी। आप लोगों को क्या लगता है कि इसको क्या पढ़ना है, एक लाइक पे कितना चप्पल पढ़ना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अभी सुना कि वो क्या बकरे हैं हमारे मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में, जो कि मिस्टर इंडियन हैकर जो है अभी बहुत ही तंदुरुस्त है, बहुत ही ये है। आप लोग देख सकते हैं ये है दिलराज भाई, जो कि वीडियो डाले थे कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव निकला हूँ। पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने बताया था कि चार लोग और हैं जो कि पॉजिटिव निकले हैं उसके बाद। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी को, आप लोग देख सकते हैं, यार ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंट है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई यार अपने को तो हो ही नहीं सकता, अपनी तो जो बॉडी है वो स्टील बॉडी है, किसी को भी हो जाए अपने को तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये कोरोना कुछ भी नहीं है, सब कहने की बात है। तो गाइस यार उन्हें बता दूं कि जब अमिताभ बच्चन जी को हो सकता है, योगी जी को हो सकता है, बड़े बड़े नेताओं को हो सकता है, मुझे हो सकता है, तो ये किसी को भी हो सकता है। तो गाइस यार मैं भी पॉजिटिव हूँ और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें आप देखते हैं यहाँ वहाँ वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डराती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक पॉजिटिव हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से मुझे पता पड़ा और मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ, या फिर मेरी जो हालत है अभी वो किस तरीके की है। तो कैसे यार आज से पहली चीज, मैं अभी क्वारंटीन के अंदर हूँ, इसीलिए वीडियोस भी नहीं आ रही है, ना मैं अपने घर वालों से मिलता हूँ, ना ही अपने घर जाता हूँ। सारा दिन बस अपना ऑफिस है, मैं हूँ यहीं, मैं हम खाना बनाते हैं और मेरे साथ साथ तीन और लोग हैं, हम चार लोग हैं, चारों पॉजिटिव हैं। और हम कैसे हुए इसके पीछे की एक लंबी कहानी है, अगर आप कहेंगे तो किसी और वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो अभी अगर अपन कहें तो आज से लगभग 5 दिन पहले मेरा सर दर्द शुरू हुआ, मुझे सर दर्द होने लगा और मैंने सोचा कि क्या पता धूप वगैरह की वजह से कुछ ऐसा होगा। तो ऐसे करते करते शाम तक मुझे हल्का हल्का बुखार आ गया, ठीक है, फिर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं सो गया। सुबह उठा, सुबह सर दर्द और ज़्यादा तेज़ हो गया, काफ़ी ज़्यादा सर दर्द करने लगा। उसके बाद में दोपहर होते होते मुझे बुखार आ गई और शाम होते होते मेरा जो बुखार है वो चला गया करीब करीब 102 डिग्री 103 डिग्री के आसपास में। इतना ज़्यादा मुझे बुखार था, सिर दर्द था, ठीक है गाइस। तो मुझे फिर शंका हुई, मुझे लगा, आप लोगों ने सुना कि मिस्टर इंडियन हैकर जो है हमारे दिलराज भाई कि उन्होंने बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ। जी हाँ, आप लोगों को क्या लगता है पायल जॉन ये पॉजिटिव निकले उसके बाद अभी ठीक ठाक है या नहीं है? पर ये बात पायल जॉन ने बहुत ही ख़राब बोला है कि मिस्टर इंडियन हैकर हमारे बीच नहीं रही है, बहुत ही गलत बोला है। आप लोगों को क्या लगता है कि इसके ऊपर क्या होनी चाहिए? तो बस आज के लिए इतना ही। आज अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिएगा।